तमाम क्लीसिया जो मुझे टीवी पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी पीपीसी चैनल की टीम की तरफ से सलाम। मैं आपकी होस्ट नीलम, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीपीसी चैनल की टीम हर घर में जाके लोगों की गवाही लेते हैं, उनके क्लिप रिकॉर्ड करते हैं और उनकी खिदमत के बारे में जानते हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि खुदावंद ने हमें ज़िंदगी सेहत अता की है, हमें हर वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए, हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है कि दुआ करते रहना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए, और हमें हर वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारी में रहना चाहिए, दुआ करते रहना चाहिए अपने लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, क्योंकि जब हम ईमान के वसीला से हम मांगते हैं तो खुदावंद हमें देता है। हमें हर वक्त अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, क्योंकि उसने हमें ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दी है, तरह तरह की नेमतें अदा की हैं। इसी तरह नाज़रीन, आज एक बहन की गवाही है। आज हम टाउनशिप 3 ब्लॉक में मौजूद हैं और असम परवेज़ खोखर के घर में। आज हम उनकी बेटी से उनकी गवाही सुनते हैं। जी बहन, आपको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से सलाम। सलाम बहन, कैसे हो आप? ठीक, शुक्र है खुदा का, हम बिल्कुल ठीक हैं। मेरी तरफ से आप सबको सलाम जो मुझे देख रहे हैं, और मैं ये टीम का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि जो मेरे घर में आए और खुदावंद के नाम की गवाही को मैं इनके साथ शेयर करूँगी। तो मेरी गवाही मेरे बेटे शॉन की है, ये जो मेरे पास बैठा है। ये तकरीबन जब पैदा हुआ था तो इसके दिल में सुराख था, तो हमें तो पता नहीं था, लेकिन इसको इसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी, इसको सांस चढ़ जाता था। तो फिर हम इसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने कहा इसका एको होगा। तो जब हमने एको का टाइम चिल्ड्रन हॉस्पिटल हम लोग गए तो उन्होंने हमें एक माह का टाइम दे दिया कि आप दोबारा आएँ, लेकिन हमने वेट नहीं किया। तो फिर हमने इधर हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल है, हमने उधर से प्राइवेट इसका एको करवाया, तो उसमें हमें पता चला कि इसके दिल में सुराख है और इसकी एक फेफड़े की जो शरियान है वो ब्लॉक है। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता हम डॉक्टर को चेकअप करवाते रहे और उन्होंने हमें फिर टाइम दिया इसके ऑपरेट का, कि इसका ऑपरेट 1.5 साल या 1.75 साल की उम्र में इसका ऑपरेट होगा। तो खुदावंद का शुक्र है कि जब हम दोबारा हॉस्पिटल गए तो उन्होंने कहा इसका एको फिर हम करेंगे। तो उन्होंने एको के बाद फिर हमें एंजियोग्राफी का टाइम दिया। तो जब हमने दुआएँ शुआएँ करवाईं तो एंजियोग्राफी के ज़रिए वो जो शरियाने थी ना एक्स्ट्रा इसके दिल की, वो ख़त्म हो गई थी, वो नहीं थी। तो एक तो ये गवाही है, और दूसरी गवाही ये कि जब इसका ऑपरेशन के लिए इसको हम लोग लेके गए तो इसको जब इसका ऑपरेशन हो गया तकरीबन 8 बजे से लेके 2:30 बजे तक इसका ऑपरेशन इसका हुआ। तो इसको जब ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं तो हम लोग एकदम से बड़े मायूस से और एकदम से हम रोने लग गए। तो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें इतनी बड़ी तसल्ली दी। तो फिर हमें नहीं पता कि क्या अंदर हो रहा है उसके साथ, क्या नहीं। तो जब वो डॉक्टर ने ऑपरेशन कंप्लीट किया, डॉक्टर आया तो कहता आपके बेटे का ऑपरेशन कामयाब हुआ है, तो अभी वो ITC में है, जब ITC में इसको होश आएगी तो हम आपको बुलाएँगे। तो तकरीबन इसको 6 बजे इसको होश आई, पहले इसको वेंटिलेटर पे लगा दिया था इसको, तो कहते आप दुआ करें, माँ बाप की दुआ बहुत जल्द सुनी जाती है, तो आप 24 घंटे में इसको ना क्या कहते हैं इसको होश आएगी। तो हम लोग फिर होने लगे, हमने कहा पता नहीं क्यों इसको वेंटिलेटर पे लग गया ये। तो डॉक्टर ने कहा कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये ऐसे हो जाता है, सांस का मसला, जारी बात है दिल का ऑपरेशन हुआ है, तो दिल के ऑपरेशन से बाईपास और दिल का जो सुराख बंद करना वो अलग से है। तो इसको फिर ना तकरीबन जब हमने पास्टर से हमने दुआ करवाई तो उसी दिन जब ऑपरेशन हुआ है तो ये बाजी और मिसेज तारक शाकर हमारे घर आए। मैं तो हॉस्पिटल में थी, तो खुशी की बात यह है कि खुदा अपने बंदों को इस्तेमाल करता है। तो इनको फिर मेरी भाभी ने बताया कि हमारा छोटा बच्चा है, शॉन उसका नाम है, तो आप उसके लिए दुआ कीजिए कि ना वो हॉस्पिटल में है, उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है तो वो वेंटिलेटर पे है, तो आप उसके लिए ना दुआ करें। इन्होंने दुआ की तो इन्होंने कहा था कि जब आपका बेटा घर आएगा ठीक होगा तो आपने गवाही देनी है।
तो इन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा ज़रूर मैं यीशु के नाम की गवाही दूंगी कि खुदा ने मेरे बेटे को नई ज़िंदगी दी है और उसने मौजज़ा किया है हमारे घर में। तो मैं खुदा के नाम को बहुत इज़्ज़त और जलाल देती हूँ, उसके नाम का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरे बेटे को नई ज़िंदगी दी है, तंदुरुस्ती दी है और अब वो प्रॉपर ठीक है। अब हमने दोबारा 3 माह के बाद उसका टेस्ट जब करवाया तो अब वो बिल्कुल ठीक है, सुराख भी बंद है और शरियान भी खुल गई है। यीशु के नाम को जलाल, आमीन आमीन, हालेलुया। जी नाज़रीन, आपने बहन की गवाही को सुना कि उनके बेटे के दिल में सुराख था, शरियाने बिल्कुल बंद हो चुकी थी और उन्होंने काफ़ी टेस्ट वगैरह करवाए, हॉस्पिटल में रखा और फिर वेंटिलेटर पे इनके बच्चे को रखा गया और इन्होंने दुआएं की। इनका ईमान पुख्ता था, इन्होंने खुदावंद से दुआ मांगी अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए, तो खुदावंद उनकी दुआ को सुना। इसी तरह मैं तमाम नाज़रीन को ये मैसेज देना चाहूँगी कि खुदावंद यीशु ज़िंदा खुदावंद है, वो मौजज़ात का खुदावंद है, वो शिफा की कुदरत रखता है, शिफा का मंबा है। इसीलिए हमें अपने ईमान को पुख्ता रखना चाहिए, हमें खुदावंद से मांगना चाहिए। अगर हम खुदा से ईमान से मांगते हैं तो वो हमें देता है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, इस ख़ानदान को, इस बच्चे को खुदावंद ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, इस फैमिली को खुदावंद अपनी हिफाजत में रखे। सो खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे, इसी तरह आप और आपका ख़ानदान खुदावंद के नाम में जलाल पाते रहें। आइए नाज़रीन, हम भाई रियाज पीटर से उनका जो मैसेज देना चाहते हैं तमाम कलीसिया को, अपने बहन भाइयों को, तो उनसे उनका मैसेज सुनते हैं। खुदावंद के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बंदा था, उसके ना घबराहट होने लग पड़ी, तो उसने सोचा कि क्यों ना बाहर जा के चहलकदमी करें थोड़ी सी। तो उसने देखा कि रास्ते में चर्च है, तो उसने सोचा कि दुआ करते हैं, थोड़ा सा दिल को तसल्ली मिलेगी। वो दुआ के लिए गया तो उसने देखा कि एक बंदा है, वो रो रहा है, रो रो के नमाज कर रहा था। तो उसने सोचा कि ये पहले नमाज अपनी दुआ ख़त्म कर ले तो फिर पूछता हूँ इससे क्या मसला है। वो उसने जब अपनी दुआ ख़त्म की तो उसने सोचा कि इसको मैं पूछूँ। तो उसने कहा, भाई क्या मसला है, आपको क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मेरा बेटा हॉस्पिटल में है तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो उसने कहा, कोई मसला नहीं, आप मेरे से ले लो, आप अपने बेटे का इलाज करवाएं, तो अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे बता देना। उसने कहा, आपका शुक्रिया। जाती दफ़ा उसने कार्ड अपना दिया, उसने कहा कि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो आपने फ़ोन करना है, मेरा बंदा आकर ना आपको देगा, पैसे दे जाएगा। उसने कहा, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं उससे मांगूंगा जिसने आपको यहाँ भेजा है। बस यही मेरी एक गवाही थी। अपने ईमान को मजबूत रखें, और जब कोई अपना आप अपना काम छोड़ देते हैं खुदावंद पर, तो वो खुद ही पूरा कर देते हैं। ये बात बताने का मकसद ये था कि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमारे पास 1 रुपया नहीं था तो CMH वालों ने 4 लाख रुपए मांगे थे, सिर्फ डॉक्टर ने। दवाइयाँ लैदा थी, उसके जो बाकी जो ऑपरेशन के बाद की दवाइयाँ वो भी लैदा थी, तो तकरीबन टोटल 5 लाख रुपए थे। तो खुदावंद ने ऐसे बंदे को भेजा कि वो घर आके पैसे दे गया, तो सारा यानी कि उसने कुछ परेशानी नहीं होने दी, प्राइवेट सारा कुछ उसने करवाया। हमारे बॉस हैं वो, उनका नाम है मुदस्सर अहमद, उन्होंने सारा कुछ करवाया है बिल्कुल। और उसके अलावा भी जो हमें पैसों की ज़रूरत पड़ी थी, उन्होंने कहा कि कोई परेशानी नहीं, आप करवाएं। तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और PPC चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारे घर आए। आइए नाज़रीन, हम छोटे छोटे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों से गीत सुनते हैं। मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम अबीर है और मैं आपको एक गीत सुनाना चाहता हूँ। सच्चियां दी टोली बिच दिल नाले गावा, सच्चियां दी टोली बिच, सच्चियां दी टोली बिच दिल नाले गावा, सना सुनावा मैं रब दी, सना सुनावा मैं रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना, दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा, दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा, तू वास देने आंदे है कब ना है बिछाया, दुखे आ रहे आ ले है
मकाया हो वा दुखे आरे आलई है मोहकम मकाया हो वा मोहकम मकाया हो वा ओ ना दे दुख दे बेरे ओ ना दे दुख दे बेले है ओ नदी पनागा ओ ना दे दुख दे बेले ओ ना दे दुख दे बेले है ओ नदी पनागा तेरिया सिफता दे गाने गीत करीना शुक्रे खुदा मेरे रब आए है चंगी रीत करीना शुक्रे खुदा दस्तरा एक सांस बना के दस्तरा एक सांस बना के बीन बर्बत खुश रंग बजा के बीन बर्बत खुश रंग बजा के करिए याद सा दात कर रिना शुक्रे खुदा मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्रे खुदा आमीन। अब तमाम बच्चों को खुदावंद बहुत बरकत दे। मैं तमाम नाज़रीन को यहाँ ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप अपने आपके बच्चे कोई भी टैलेंट रखते हैं गाने का कलाम पेश करने का तो पीपीसी चैनल के दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं ताकि पीपीसी चैनल तमाम उन बच्चों को प्रमोट कर सकें। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आप देखते रहें पीपीसी चैनल, पीपीसी चैनल आप सबका अपना चैनल।